भाइयों, मेरा नाम है रमन। मेरी एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाइयों, आज हमारे पास है उल्टो के 10। ये 2019 वाला वेरिएंट है VXI। तो आज है इसकी फोर्थ पेड सर्विस है। तो आज हम हिसार आए हैं ऑटो मार्केट में इसकी सर्विस करवाने। तो ये 1500 मतलब एक्स्ट्रा चल चुकी है। तो देखते हैं क्या कॉस्ट आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, देखेंगे। हमने बात कर ली थी उन भैया से, सत्य मोटर्स पर जाएंगे हम। उनका कॉल आया था अभी कि आ जाओ, शॉप ओपन हो चुकी है। तो अभी है सुबह का टाइम, लगभग 10 बज रहे हैं। तो चलिए हम मिलते हैं उनकी शॉप पर जाके सीधा। तो भाइयों, हम शॉप पर आ चुके हैं, देखते हैं अब क्या सर्विस रहेगी, क्या नहीं रहेगी। हम इसे बात करेंगे कि क्या कॉस्ट आ सकती है मैक्सिमम, क्योंकि ये गाड़ी चल चुकी है लगभग 1500 तक, ज़्यादा चल चुकी है, क्योंकि 40,000 पर सर्विस थी और ये उसके बाद 41,500 कुछ चल चुकी है। तो देखेंगे, मोबाइल वगैरह वो तो नॉर्मली चेंज होता ही है, तो इसमें भी होएगा। हाँ, बाकी चेक करेंगे हम एसी वगैरह, कोई भी प्रॉब्लम होगी ना गाड़ी पे, वो देखते हैं, और देखते हैं क्या कॉस्ट रहेगी, क्या नहीं रहेगी। तो चलिए शॉप के अंदर चलते हैं। भाइयों, मैं शॉप के अंदर आ चुका हूँ और ये मेरे सामने है शॉप के ओनर। सर, आपका क्या नाम है? हमने केटन की सर्विस करी इसकी। केटन की सर्विस में इसका एसी फिल्टर है, एयर फिल्टर है, मोबाइल फिल्टर है, गियर ऑयल है, अलग है। तो आपने देख लिया गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? पार्ट हमने निकाल दिए, वो डाल दिए सारे पार्ट इसके, और पलक वगैरह चेक करेंगे इसके पलक में क्या। तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम लग रही है इसमें? इसमें इसका देखो, हमने ऑयल फिल्टर चेंज करे हैं, एयर फिल्टर चेंज करे हैं, एसी फिल्टर चेंज करे हैं, गियर का ऑयल भी 40,000 चल चुकी है, 35,000-40,000 के बीच में गियर ऑयल भी इसका चेंज होता है, उसको हम चेक करेंगे। तो ब्रेक की डिस्पेड है, शॉकर है, सस्पेंशन का जो छोटा मोटा कुछ है, जो भी गाड़ी खड़े ब्रेक कर सकती है, वो उसके हिसाब से हम इसको कंप्लीट चेक करेंगे। तो जैसे कि 1500 एक्स्ट्रा चल चुकी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम और भी हो सकती है? प्रॉब्लम हो सकती थी अगर क्वालिटी अगर नहीं देते हो गाड़ी को, तो इसके सस्पेंशन वगैरह बता रहे हैं, मैंने को नट डलवाया सस्पेंशन में। हाँ जी। तो शॉकर की राड बैंड होने से, अब उस कटने से शॉकर में दिक्कत आ रही है, नट पर जुगाड़ हो गया, नट से चले नहीं रहे उसमें। इसी हिसाब से हमने ये देखा है, इसका आपका जो एरिया आपका भैनी तरफ का एरिया है अलग, वह इसके टूटे फूटे रोड है। हम एरिया वाइज जैसे गाड़ी आती है उसका अपने हिसाब से तो बिल्कुल चेकअप करते हैं कि इसका रोड टूटे फूटे है, सस्पेंशन जिसका गाड़ी अगर पूरी हो गया हुआ है, और टायर की जिस तरह कंडीशन कैसी, हवा टूटे फूटे रोड को कितनी रखनी चाहिए, और बढ़िया रोड को हवा कितनी रखनी चाहिए, सारा एस्टिमेट हम इसके कस्टमर को टोटल चेक करके बताते हैं। इस कंडीशन में आप गाड़ी चलाओ, ये फिल्टर दो आप इसको, अच्छी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, जिसका जन्म तेल है, स्पेशल 530 के सीरीज इंजन है ये। हाँ जी, के सीरीज इंजन में ये तेल सब यही रहता है 530। तो क्या कॉस्ट आ सकती है इसकी? इसकी कॉस्ट ये समथिंग है 900 रुपये नहीं, कंप्लीट सर्विस की, सर्विस की समथिंग आएगी इसलिए 3,000 के करीब में, सारी 3,000 रुपये मतलब इस हिसाब से तो ठीक है सर्विस। सर्विस सारी जनरल कार्ड लग जाएगा इसमें, ये गाड़ी इस पाइप की वजह से ये गाड़ी यहाँ से खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक सिर्फ टेस्टिंग है, जोड़ है एक सिम का ये गाड़ी का। किस चीज़ की पाइप है ये? एसी की पाइप है ये, भी हम लगभग ये सिली रहती है, सिलन से यहाँ से हर गाड़ी की गर्मा शुरू हो जाती है। जिस भाई के पास भी केटन गाड़ी है उसको थोड़ा या तो सफाई रखो यहाँ से, या इसको थोड़ा दूर करो खींच के, ताकि इसकी नमी इसके ऊपर ना जा रहा है, तो यहाँ से पूरी गर्मी शुरू हो जाती है। एसी का पानी जो नीचे गिर रहा है उसका भी पाइप को आप चेक करवाओ मैकेनिक से, उसका पानी गाड़ी के ऊपर तो नहीं गिर रहा है, जहाँ से उसकी बॉडी के निकलना शुरू हो। तो और कोई प्रॉब्लम लगी आपको? और भी इसके रोड टेस्ट कराएंगे, चला के देखेंगे। अच्छा, रोड टेस्ट करेंगे, रोड टेस्ट भी पता लगा इसका भी, कोई सस्पेंशन में कोई इतनी आवाज़ नहीं है, और गियर वगैरह स्मूथ लग रही, नहीं लग रही, क्लच का भी जो भी वो रोड टेस्ट को क्लच का पता लग रहा है, टिकट वगैरह एवरेज वगैरह कैसी दे रही है वो टेस्ट से पता। चलो भाई, हमने सारी चीज़ें जान ली हैं, तो अब इसके सर्विस के बाद बात करेंगे हम। तो भाई, हमारी गाड़ी में एक फॉल्ट आ चुका है, इसके शॉकर में बैंड है, ये आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा लेकिन बिल्कुल हल्का सा है, इसके कारण ये पूरा चेंज होगा।
कंपनी वालों ने कुछ कर रखा था नट वगैरह लगा के, लेकिन अब वो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारा टायर भी खराब हो रहा है। देखिए ये देखिए, एक साइड से बिल्कुल जा चुका है ये, तो इसलिए हम इसे चेंज करवा रहे हैं। ये मारुति का जेन्युइन पार्ट है, आपको 1200 रुपये का मिल जाएगा। तो अभी वो भैया लेने गए हैं, तो देखते हैं वो, फिर वो लगा के देखते हैं फिर कुछ सही लगेगा या नहीं। वीडियो में है ना अगले दिन शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कल घर आना पड़ गया था तो मैं आपको नहीं दिखा पाया। तो आज हम उसकी बिलिंग वगैरह की बात कर लेते हैं, क्या कॉस्ट आई है क्या नहीं। तो उसका बिल मेरे पास है, जैसे देखिए ये सत्य मोटर वर्कशॉप जिस पर हम कल गए थे, मैं इनकी शॉप का एड्रेस और मोबाइल नंबर लिंक में दे दूंगा। आप इनसे पहले ही कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि हम कब तक आ सकते हैं या मतलब टाइम लगेगा, जो भी है आप इनसे बात कर लीजिए, आपको बता देंगे, तो आप बाद में जा सकते हैं। मैं आपको कॉस्ट बता देता हूँ कंप्लीट। इसका मोबिल फिल्टर डला है, मोबिल ऑयल भी डला है, एसी फिल्टर डला है, गेयर ऑयल डला है, सोकर और लेबर। आप यकीन नहीं करेंगे, इसकी कॉस्ट मतलब बहुत ही कम आई है। अगर कंप्लीट की बात करें तो इसकी आई है 3690 रुपीस, जिसमें से सिर्फ इसका 1200 रुपए का तो सोकर है, 450 लेबर है। अगर ये वाली चीजें हम ना करवाई है तो जैसे एक्स्ट्रा चल चुकी थी गाड़ी तो इसलिए हो गया, नहीं तो इसकी कुछ भी नहीं है, सर्विस वगैरह बिल्कुल सस्ती है। तो बस यही होता है कि मारुति की गाड़ी हम लेते ही इसलिए हैं। तो उनका अभी उन्होंने कहा कि जैसे कोई और कंपनी की गाड़ी होती हुंडई वगैरह की तो मतलब सोकर वगैरह बहुत महंगा आता है, इसका सिर्फ 1200 रुपये का आ गया था, वो भी बस चेंज करवाना पड़ गया क्योंकि उसमें बैंड आ चुका था, तो फिर वो प्रॉब्लम कर रहा था और टायर भी खराब हो रहे थे हमारे, तो हमने बस करवा ही लिया, 1200 रुपये का ही था। चलो भाइयों, इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।